नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका यूनिटी न्यूज़ चैनल पर और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, कल रात की बात करें, कल ठीक शाम 6:15 पे एक ब्लास्ट होता है रेजिडेंसी रोड पर एक होटल के अंदर, और सिलेंडर की वजह जहां पे एक सिलेंडर जो है वहां पे ब्लास्ट हुए थे, और जिसके चलते पूरे होटल के अंदर और उसके साथ के काफ़ी घरों में जो थी आग लग गई थी, और एक शॉप के अंदर एक और सिलेंडर जो था ब्लास्ट हुआ था, और जिसके चलते आपको बता दें, एक दुखद समाचार हमने अपने चैनल के माध्यम से अपडेट किया था कि 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी, और इसमें 14 के लगभग जो लोग थे क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे। जो फिलहाल अभी की बात करूं मैं दर्शकों, आपको बता दूं मैं इस वक्त हूं सेंट पॉल चर्च के ठीक सामने, और यहां पर उन लोगों को रखा गया है जो इस आग के चलते कहीं ना कहीं बेघर हो गए, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था। उनको एक माँ की तरह, एक बाप की तरह आसरा दिया है सेंट पॉल चर्च ने, यहां के लोगों ने, और इसके साथ साथ ऑल जेएनके क्रिश्चियन सभा की पूरी टीम ने उन लोगों को यहाँ पर रखा है, और उनका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। टाइम टू टाइम उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, अगर मैं खाने की बात करूँ, और छत जो खास कर है वो शेल्टर जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी हम अंदर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और अंदर के दृश्य जो है वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। लोगों से जो यहाँ पर अभी रह रहे हैं, तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर हैं, और यहाँ पर चर्च के अंदर जो है इनको रखा गया है, शेल्टर दिया जा रहा है, फूड भी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आप थोड़ा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। सर, क्या नाम है आपका? बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? अनवार हुसैन। जब से वो ब्लास्ट हुआ तब से आप यहाँ पे? उधर था जो आप बाबू का गोदाम था ना। हाँ, भी काम कर रहा था, तो कबार का काम कर रहा था, जो बाबू का था गोदाम पे जो बिजली। कहाँ पे गोदाम? ये डाक बंगला था। डाक बंगला का जो बिजली होता ना, जो चमक रहा है ना, वैसे चमक रहा है। हाँ, ऐसे क्या इसे चमक रहा है, जो बारिश नहीं होता है, बारिश का तो कोई मतलब नहीं है, चमक रहा है, इसे करके देख रहा है जो आग चल गया है। आग जल। अभी जो यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो ठीक है? खाना सब कुछ मिल रहा है? अल्लाह खूब हमको ऐसा सेवा कर रहा है, इसका बंदा अल्लाह ने भेज दिया ना, तो ऐसा हमारा गाँव पर नहीं होता है, ऐसा सेवा कर रहा है इतना सब बंदा है। क्या कहना चाहते हो यहाँ पर जो आपको सर्विसेज मिल रही है, खाने का या रहने का दिया जा रहा है चर्च की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? तो हमको जो मैं चना है वो देता है, जो कपड़ा भी देता है, खाना भी देता है, चाय भी देता है, दिन भर हमारा बच्चा को रोने नहीं दिया, जो ही चाहेगा वही देता है। एक बाप और एक माँ की तरह पूरा आपको सपा माँ काहे बुरा होंगे, नहीं हम तो खुशी है अल्लाह का, बस हम दुआ मांग रहा है जो अल्लाह ने इसको भेज दिया हमको सेवा करने के लिए, वो अल्लाह का बस हम ऐसा मांग रहा है ना, इसको अल्लाह का जो जन्नत में भेज दे। यहाँ पे और कितने लोग थे आपके साथ? और जो हॉस्पिटल में तो पहले था 15 बंदा, अभी किया 7 बंदा, कितना 22 बंदा है। अरे तो ये सारा आपके परिवार हैं? एक ही गांव का, एक ही जगह में है, जो हमारा भाई का लड़का हो, चाचा का लड़का हो, जो मामा का लड़का, ऐसा ही है। तो यहाँ कुछ और से भी हम बातचीत करने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो उस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अभी चर्च ने, सीएनआई चर्च ने जो है उनको एक शेल्टर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में काफ़ी सारे बच्चे हैं, और यहाँ पर एक बहन है, मैं आपको बता दूँ, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो दिखाएँगे आपको, ये कल से जो है बात जो है वो नहीं कर रहे, इनके पति की उस ब्लास्ट में जो है वो मृत्यु हो चुकी है, और ये हमारे साथ अभी एक बच्चा है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बच्चा आपका? रमजान अली। रमजान, कब ये ब्लास्ट हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे, और परिवार में कितने लोग हैं? हमारे छः परिवार थे, और एक मेरे भाई थे वो गुजर गया। कितनी क्या एज थी भाई की? हाँ, उम्र कितनी थी? 18 साल। 18 साल का भाई था। तो दर्शकों देखो, आप किस तरीके से इस ब्लास्ट के अंदर किसी ने अपने पति को खोया है और किसी ने अपने भाई को खोया है। बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर जो था वहाँ पे एक होटल के अंदर था, जिसमें 4 सिलेंडर
जो थे फटे थे, और उसके बाद एक शॉप के अंदर भी एक ब्लास्ट हुआ और जिसके अंदर 4 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया और कई 14 के लगभग लोग जो थे क्रिटिकली इंजर्ड थे। और यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बेसहारा हो गए एक तरीके से। लेकिन सेंट पॉल चर्च और इसके साथ साथ ऑल जेएनजी क्रिश्चियन सभा की पूरी टीम ने जो है इनको अभी फूड से लेकर शेल्टर तक जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दर्शकों, ये पूरी साफ तस्वीरें हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ पे इनको पूरी जो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों के अंदर यहाँ पे तमाम लोग जो हैं यहाँ पर हैं और इन बच्चों को जो है तमाम जो फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है, चाहे खाना हो, चाहे वो शेल्टर हो, कपड़ा हो, हर चीज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और जो अदर लोग हैं जो अपने आप को काफ़ी दिखाते हैं, लेकिन वो लोग आज कहाँ है जब ये लोग एक ब्लास्ट के अंदर बेघर हो गए, बेसहारा हो गए और छत जो है इनसे छिन गई है। लेकिन अभी इनके तरफ कोई नहीं आ रहा, तो फ़िलहाल सेंट पॉल चर्च ने इनको शेल्टर दिया है, फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। और ये तमाम वो जो दृश्य हैं ये दिल को दहला देने वाले हैं कि किसी एक बच्चे ने अपने भाई को खोया है, किसी एक पत्नी ने अपने पति को खोया है और किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को जो है वो खोया है। तो ये बहुत ही एक दुखद समाचार और एक दुखद मंजर जो अभी आपके मैंने दिखाया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पे यूथ जुड़े हैं और मैं आपको बता दूँ इस पूरे इंसिडेंट के अंदर सिर्फ एनजीओस आगे नहीं आए, हमारा जो यूथ है जम्मू कश्मीर का वो भी आगे आया और बढ़ चढ़ कर जो है उन्होंने हेल्प जो है वो करी है। हमारे साथ यहाँ फिलिक्स हेनरी जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना है आपका, आपको कब पता चला और कैसे आप लोगों की यहाँ पे केयर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यूनिटी चैनल का और बोनी जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस लायक समझा कि आप अपना कीमती समय दे पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये जो इंसिडेंट है ये हमें कल रात को पता चला, कोई 7-8 बजे के करीब कि ऐसी दुर्घटना हो गई है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पादरी रेवरेंड विजय कुमार जी का, जिन्होंने उनको प्रभु ने इतनी बुद्धि दी और इतना सहानुभूति अपने कम्युनिटी की तरफ दी कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और सीधा ही वह मौजूदा ग्राउंड सिचुएशन पे पहुंच गए और वहीं उन्होंने प्रशासन से बात की और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो वहाँ पे विक्टम्स हैं, ठीक है, जो रिहैब हम करना चाह रहे हैं वो हम चर्च में करें, क्योंकि चर्च हमारा सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही है वो, और यही सबसे नियरेस्ट था, सेफ प्लेस थी जहाँ पर हम वो विक्टम्स को ले कर आ सकते थे। और उसमें हम पूरी यूथ, क्रिश्चियन यूथ और स्पेशली सेंट पॉल्स चर्च की यूथ फेलोशिप ने एकदम आके सारा काम संभाल लिया, पूरा प्रशासन भी साथ में था, पुलिस भी थी और कई लोग भी थे हमारे साथ जुड़ रहे थे। और उसी टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंट पॉल्स चर्च की जो कॉन्ग्रीगेशन है प्लस जो हमारे आसपास की कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इतनी सहायता की, उसी टाइम पे हमारे पास राशन भी प्रोवाइड हो रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़, हमने पूरा इनका बेडिंग का, सोने का, खाने पीने का सब कुछ हमने चर्च के और रेवरेंड विजय कुमार जी की गाइडेंस में फटाफट से हमने कर दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बाकी प्रशासन वालों का और कम्युनिटी वालों का जिन्होंने इतनी सपोर्ट दी, और अभी तक भी लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं इनके लिए, और जो जो चीज़ें हैं वो अभी भी लोग आके दे रहे हैं और इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैसेज था कि हमने ना देखा कि ये मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कौन है। उस टाइम पे जो सिचुएशन ऐसी थी वहाँ पे सिर्फ आपको इंसानियत चाहिए थी, और हमें शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, कोई कम्युनलिज्म ना करें, कोई ऐसे सेंटिमेंट्स ना हो, बस एक दूसरे को सर्व करें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि हमारी जो भारत देश है और प्लस जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी है हमारी वो एक साथ मिलजुल कर रहे। और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑल जे एंड के क्रिश्चियन सभा का, और हम यही चाहेंगे कि जब तक ये हमारे साथ हैं हम कोशिश करें कि आपको भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि वह सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, साफ सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सेंट पॉल चर्च के अंदर से कि तमाम लोग जो इस इंसिडेंट के अंदर, इस ब्लास्ट के अंदर जिनको इतनी परेशानी हुई, किसी ने अपनी माँ को, किसी बच्चे ने अपने पापा को, किसी पत्नी ने अपने पति को जो है वो खोया है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आसरा
सेंट पॉल चर्च ने और इसके साथ साथ यहाँ के यूथ और कई एनजीओ जैसे भाई फेलिक्स हेनरी ने बताया कि काफ़ी लोग यहाँ पर आके जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और जब ये इंसिडेंट हुआ लोगों ने और ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये नहीं देखा कि वो लोग जो हैं वो हमारी कम्युनिटी के हैं, उस समय धर्म नहीं देखा गया, सिर्फ ह्यूमैनिटी देखी गई। और अगर क्रिश्चियनिटी की अगर मैं चर्च की बात करूँ तो चर्च हमें सिखाता है गॉड इज़ लव, और उसी की जीती जागती एग्जाम्पल जो है आज सेंट पॉल चर्च में आपको दिखाई हमने। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं यहाँ पर सेंट पॉल चर्च के अंदर हूँ और उन लोगों के दृश्य भी हमने दिखाए जो एक तरीके से बेघर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट पॉल चर्च की तरफ से उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है और फूड भी जो है टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ चर्च के जो सीनियर पादरी हैं पास्टर विजय कुमार जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, कब आपके मन में आया कि लोगों को यहाँ पर लाना चाहिए, शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, फूड प्रोवाइड करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही मुझे पता चला कि कल ऐसे ये हादसा हुआ है तो इमीडिएटली मैं सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा और मेरे साथ मेरे दो यूथ मेंबर भी थे कि जिन्होंने हमने मिलकर वहाँ पर देखा। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे परंतु पुलिस की ओर से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन से हम नहीं गए, वहाँ पर बैठ के ऐसे जस्ट देख रहे थे कि क्या हो गया है और हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। पहले कोविड था और अभी ये हादसा हो रहे हैं। तो मुझे एक मेंबर ने बताया कि यहीं पर बैठे हैं कि अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, तो देखा खास करके छोटे बच्चे थे वहाँ पर सड़क पर और कुछ लेडीज़ वहाँ पर बैठी थी, तो उनको देखकर मेरे मन में आया कि ये तो रात को बेघर हो गए हैं और इनका घर भी ख़त्म हो गया है, जो भी इनके पास था सब कुछ नाश हो गया आग में। तो बाइबल हमें तीन बातों के बारे में सिखाती है कि हमें उनके प्रति अपनी जो सेवा उनको देना है, पहला अनाथ, विधवा और परदेसी, और ये सब परदेसी हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मेरे मन में जो खुदा ने डाला मैं इनको इमीडिएटली डीएसपी साहब और एसपी की परमिशन से मैं इनको यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर पूरी कम्युनिटी ने ही नहीं बल्कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बल्कि सभी ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, रेड क्रॉस ने और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, डिप्टी मेयर साहब आए, काफ़ी कुछ इनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते थे हमने कर रहे हैं। और इनका क्योंकि ये जहाँ हादसा हुआ है नज़दीक हैं बिल्कुल, और इसलिए इन लोगों का कहना है कि हम कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे जब तक सेटल नहीं हो जाते, और उसके बाद जो भी सरकार इनके लिए डिसाइड करेगी वो किया जाएगा। और चर्च की ओर से इनके लिए जो खाने पीने का प्रबंध किया गया है और इनके रहने का प्रबंध किया गया और जो भी बेसिक नीड्स हैं बच्चों की, महिलाओं की और सभी की, उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा अप्रिशिएटेड काम कर रहे हैं। सर बात करें कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितने लोगों को आप टेक केयर कर रहे हैं? जी जो कल रात को आए थे वो तकरीबन 27 लोग थे और फिर उनके कुछ रिश्तेदार थे जो अस्पताल में थे और कुछ रिश्तेदार इधर उधर भी लोग आ जा रहे हैं, परंतु जो हमारे पास जो ऑफिशियल लिस्ट हमने कल प्रिपेयर की थी वो 27 लोगों की हमने प्रिपेयर की थी लिस्ट। जी इसके अलावा कोई और हेल्प के लिए आगे आया हो? जी रेड क्रॉस सोसाइटी कल रात से ही हमारे संपर्क में है और उन्होंने फूड कुछ पैकेट्स हमें भेजे हैं और कुछ मेडिसिंस इनके लिए भेजी हैं, और उसके अलावा हमारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी ओर से, फिर दूसरा हमारे कॉरपोरेशन की ओर से, और तीसरा हमारे जो अपना ऑल जे एंड के क्रिश्चियन वेलफेयर की ओर से, देन हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं गोपाल जी और रितु मैम, तो वो भी यहाँ पर आए और काफ़ी लोग हेल्प के लिए जो है आगे आए हैं। अगर हम बात करें रेड क्रॉस की, ऑल जे एंड के क्रिश्चियन सभा, और काफ़ी लोग जो हैं आगे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ यहाँ पे ऑल जे एंड के क्रिश्चियन सभा के प्रेसिडेंट आशु पीटर मट्टू जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर आपको कब पता चला और आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? पता तो कल ही हमें पता चल गया था, तो ये जब हमें पता चला कि पादरी साहब ने यहाँ पे सीएनआई चर्च में जो ये विक्टम्स थे, फायर विक्टम्स हैं, उनको अपने यहाँ आश्रय दिया है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि चर्च सामने आके एक मदद कर रहा है, तो उसके लिए हम सराहना करेंगे पादरी साहब और चर्च के लोगों की जिन्होंने मिल के उनको यहाँ पर लाया, आश्रय दिया, क्योंकि वो बेघर हो चुके थे। और मैं आज गवर्नर साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इनके लिए ग्रेशिया की अनाउंसमेंट किया है, 5-5 लाख और जितना भी उन्होंने किया है उसके लिए भी उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज क्रिश्चियन सभा की तरफ से जो भी मदद हो सकती थी हमने इन लोगों के लिए किया है,
और आने वाले दिनों में भी जो भी मदद होगी यहाँ से पादरी साहब के थ्रू जो भी मदद होगी हमसे जो बनेगा हम करेंगे, क्योंकि घर बनाना आसान है, मिटना तो आसान है पर बनाना बहुत मुश्किल है। और जो वहाँ पे नजायज मौतें हुई हैं उनके लिए भी हमें बहुत अफसोस है, हम क्रिश्चियन सभा की तरफ से अफसोस करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों सारे वो लोग हैं जिनके दृश्य अभी हमने आपको दिखाए, ये सारे वो लोग जो बेघर हो चुके हैं, जिनके पास अभी कोई रहने का जो है वो ठिकाना नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सेंट पॉल चर्च आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वो 360 डिग्री का राउंड जो है वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से सेंट पॉल चर्च के तमाम मेंबर्स, अगर हम क्या बात करें यूथ भी जो है यहाँ पर आगे आया हुआ है, और तमाम जितने भी इसके अंदर विक्टम्स हैं, जितने लोग इसमें पीड़ित हुए हैं, तमाम लोगों की जो है ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। टाइम टू टाइम उनको फूड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके साथ साथ शेल्टर भी दिया जा रहा है। और एक बहुत ही दुखद है दर्शकों, जिसके अंदर ये ब्लास्ट के अंदर 4 मृत्यु जो है वो हुई हैं। और आपने अभी हमने आपको एक छोटे बच्चे से हमने बात करी जिसमें उसने बताया कि 18 साल का उसका एक भाई जो इसके अंदर उसकी मृत्यु होगी, और एक बहन जिसने अपने एक पति को जो है खो दिया। तो ये बहुत ही एक दुखद मंजर है। और जितने हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी आगे आएँ और जो इन लोगों की आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प करें। तो इसी के साथ दर्शकों मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ, जुड़ रहे हैं आप यूनिटी न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।